आज मुमरा कौसा के अंदर एक चीज़ आप लोगों को पता है कि इनलीगल काम जो है बहुत धड़ल्ले से चालू है। जैसे कि मुमरा कौसा के अंदर कोई ऐसी जगह नहीं है, चाहे वो मुमरा स्टेशन हो, चाहे किस्मत कॉलोनी हो, चाहे कौसा हो, चाहे खड़ी मशीन रोड हो, हर जगह पे, चाहे वो फॉरेस्ट की जगह हो, चाहे वो प्राइवेट जगह हो, हर जगह पे इनलीगल का काम चालू है। और ये इनलीगल काम चालू होने की वजह क्या है, इतने बेखौफ बिल्डर जो है यहाँ के, और इस तरीके से मतलब काम कर रहे हैं कि उनको कोई डर है ही नहीं है, डर नाम की चीज ही नहीं है। जैसे कि आप जानते हो कि एक हफ्ता पहले ही एक अधिकारी जो है रिश्वत लेने के टाइम पे पकड़ा गया था, एंटी करप्शन ब्यूरो ने पकड़ा था, और वो उसको रंगे हाथ रिश्वत लेने के टाइम। तो क्या यही वजह है कि लोग जो है अधिकारी लोग रिश्वत लेते हैं और चुप बैठते हैं और इसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं करते हैं? जैसे कि एक लाल किला जो है, लाल किला होटल जो बाईपास है उसके जस्ट बगल में स्टार्ट में एक चौल थी, चार होते होते वो फॉरेस्ट की जगह है तकरीबन, नहीं बोलेंगे तो वहाँ पर पूरा जगह, वो 3 से 4 एकड़ की जगह थी, वो पूरा जगह जो है उन लोगों ने पूरा चाली बना के उसको कैप्चर कर लिया। तो ये क्या वजह है जो अधिकारी लोग देख के भी उसको नज़रअंदाज करते हैं? क्या यही वजह है जो कि रिश्वत लेते हैं और रिश्वत लेके और चुप बैठ जाते हैं, कुछ कार्रवाई नहीं करते हैं? अगर खुदा ना खास्ता कोई इसी चीज़ को लेके, जैसे कि लकी कंपाउंड में एक हादसा हुआ था, इतने लोग मर गए थे और इतना अफरा तफरी का माहौल था, कि तो क्या ऐसे ही फिर ये दिन चाहते हैं कि ऐसे ही कोई दिन आए और ऐसे ही फिर माहौल पैदा हो? तो क्या वजह है जो कि ये अधिकारी लोग इसके ऊपर कार्रवाई नहीं कर रहे? इसी चीज़ को लेके हमने जो असिस्टेंट कमिश्नर जो महेश आयर साहब हैं उनसे हमने फ़ोन के ऊपर कुछ बातचीत करी। आज 8 तारीख है, अभी हमने कुछ फ़ोन लगाया उनको और बात करी, उन्होंने कुछ देर मेरा फ़ोन होल्ड पर रखा और उसके बाद में मुझसे बात करी है उन्होंने, और बात करने के बाद उन्होंने बताया मुझे, और हमने उनसे कुछ सवाल किया है तो उन्होंने बताया कि 10 तारीख जो है आने वाली, ये जो अभी 10 तारीख आएगी, 10 तारीख से हम कार्रवाई जो है चालू करेंगे और इस तरीके से चालू करेंगे। हमको मालूमात है उसके बारे में, लेकिन रमज़ान की वजह से हम इनके ऊपर कार्रवाई नहीं कर पाए थे। हम कार्रवाई इनके ऊपर इस तरीके से करेंगे कि पूरे का पूरा हम नीचे से तोड़ देंगे कॉलम से लेके, क्योंकि ताकि ये फिर नहीं कर सके, क्योंकि हमको हमने इनको स्ट्रिक्टली मना किया था लेकिन फिर भी चालू किए। तो ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि इनलीगल काम होने से क्या होता है, एक तो बिल्डिंग अच्छी नहीं रहती है, दूसरी चीज़ है उसमें चोरी का पाइपलाइन है, चोरी का लाइट कनेक्शन है, तो इस सब चीज़ों का बर्डन एक जो कायदे के जो लोग हैं जो इलीगल रहते हैं उन लोगों पे आता है, उनको तकलीफें होती है, क्योंकि यहाँ मुमरा जो है एक बहुत बड़ी आबादी है, यहाँ क्राउड है, तो वो चीज़ यहाँ पे नहीं पूरा हो पाती है। तो इसी चीज़ को लेके हमने महेश आयर साहब से कुछ बातचीत करी है, आपको हम सुनाते हैं कि क्या हमारी बातचीत हुई है। हेलो हेलो, नमस्कार सर। नमस्ते, मैं पब्लिक चैनल से लाल मोहम्मद शेख बात कर रहा हूँ सर। बोले सर, ये इसके बारे में जरा मुझे मालूमात करनी थी, ये मुमरा के अंदर जो इतने सारे इनलीगल काम चालू है। एक चालू रुको, हेलो लंदन लगे ना? अच्छा, ये मुमरा के अंदर जो इनलीगल काम चालू है इतने सारे, सिद्दीकी बाग के पीछे किस्मत कॉलोनी में, खड़ी मशीन रोड पे है, हाँ। और कौसा में चालू है, तो ये इसके ऊपर आप लोग का क्या है, मतलब क्यों नहीं? मैं आपको इतना ही बोल रहा हूँ जी कि आज क्या तारीख है? आज 5 तारीख है, 6 नहीं है, आज 8 तारीख है। 10 तारीख से मेरा डिमोलिशन चालू होगा और मुमरा में जितने भी कंस्ट्रक्शन चालू है सब ये महीने के अंदर टूट जाएंगे। अभी कुछ कॉन्फिडेंशियल बातें रहती है जो मैं बोल नहीं सकता, लेकिन मैंने ऑलरेडी प्रोग्राम लगाया है, मंडे से मेरे दोपहर के बाद चालू होगा, रोज रहेगा चालू। चलो क्या हुआ, रमजान था, मेरा स्टाफ मैंने रोड पे रखा था पूरा टीम, क्योंकि रोड पे कोई ट्रैफिक नहीं होना चाहिए, जो स्टॉप पत्ते वो लगने नहीं चाहिए, क्योंकि मैंने उसको अलग जगह दे दी बिठाने के लिए। हाँ, तो उससे दीदी थे तो उसने चालू किए, 8-10 लोगों ने मालूम है, तोड़ दूंगा मैं, सब तोड़ दूंगा।
ये महीने के अंदर सब टूट जाएगा, मुमरा क्लियर हो जाएगा। अच्छी बात है सर, क्योंकि लक्की कंपाउंड के जैसा फिर कोई हादसा ना हो जाए, यही हम लोगों की कोशिश है सर, और उम्मीद भी है कि आप बिल्कुल नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि अभी जैसे कि अधिकारी लोग है कुछ पैसा वैसा लेके वो चुप बैठते है, तो ये सब चीजें मतलब मैं सब निकल दूँ, मैं वो करने वाला नहीं हूँ, मैं वो जितना भी सही से कर सकते थे सब छोड़ दूंगा। चलो बहुत अच्छी बात है सर, थैंक यू सर, थैंक यू। मेरी न्यूज देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए और बेल आइकॉन का बटन दबाते रहिए। मैं लालू मोहम्मद शेख फिर एक नई न्यूज के साथ हाजिर हूँ, जब तक के लिए खुदा हाफिज।